हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 जून 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये यूएन के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसकी थीम है इस बार की फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, तो ये थीम आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का कौन से देश के साथ पर्यावरण MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये साइन किया गया है भूटान के साथ। भूटान की जो सीमा है, चीन और भारत केवल दो ही देशों से लगती है, और भारत में भी इम्पोर्टेंट है किस राज्य से लगती है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन चार राज्यों से सीमा लगती है भूटान की। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थैंक्स मॉम वृक्षारोपण प्रोग्राम किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की पहल है? तो थैंक्स मॉम वृक्षारोपण मध्य प्रदेश की पहल है। एक्चुअली जो लोग पेड़ लगाएंगे, उन पेड़ों का नाम उनकी माँ के नाम पर रखा जाएगा, जिससे कि वो लोग इमोशनली उस पेड़ से कनेक्टेड हो सके, जुड़ सके और उसकी केयर कर सके। तो आइए मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है, और यहाँ की कुछ योजनाएं जो हाल ही में शुरू की गई है, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना, FIR आपके द्वार और मुख्यमंत्री सबल योजना, ये योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं मध्य प्रदेश में। आइए कुछ नेशनल पार्क जान लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क ऐसे नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में है। और पेच नेशनल पार्क एक ऐसा है जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है और उसमें से एक मध्य प्रदेश भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड, जो महिला एशिया कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, इस बात को आप पहले ध्यान रखें। तो महिला एशिया कप 2022 का भारत में आयोजित किया जाएगा, और ये 1949 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब भारत को इसकी मेजबानी दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है भारत का मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर आपको याद भी होगा, 2017 की ये वर्ल्ड मिस वर्ल्ड रही है, तो इस बात से आप इनको ध्यान रख सकते हैं, 2017 की मिस वर्ल्ड रही है मानुषी छिल्लर, इनको एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फूड फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? एक्चुअली आदिवासियों के लिए फूड सिक्योरिटी देने के लिए ये पहल है केरल सरकार की। केरल में बनाया जा रहा है पहला फूड फॉरेस्ट। केरल की बात आई है तो आइए केरल के बारे में जान लेते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, और इस समय यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि के फोन जो कि फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा, तिरंगा पहल, पेरियार वन्यजीव यहाँ का एक इम्पोर्टेंट वन्यजीव विहार, और शांत घाटी केरल में ही पड़ती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई अंबर नया नदी किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है रूस से। आपको पता होगा कि रूस ने अभी एक इमरजेंसी लागू कर दी गई है, वो इसलिए लागू की है क्योंकि जो अंबर नया नदी है उसमें 20,000 टन, लगभग 20,000 टन जो है तेल रिसाव की घटना सामने आई है। तो जो अंबर नया नदी है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी और ये रूस से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हेल्दी एंड एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये शुरू की है विद्युत मंत्रालय ने, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय सभी देश COVID-19 की वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, और ये आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।